हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे हैंटा वायरस के बारे में। ठीक है, कोरोना वायरस अभी एकदम पीक पे है और उसके साथ साथ एक नया वायरस हैंटा वायरस के नाम है जिसका डिस्कवर किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कोरोना वायरस और हैंटा वायरस दो हैं, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या अभी रिसेंटली। 23 मार्च 2020 को चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है यूनान प्रोविंस। ठीक है, वहाँ पे एक मैन को इस हेंटा वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। ठीक है, और उसके तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इस वजह से ये एकदम रिसेंटली न्यूज़ में आया है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स कोरोना वायरस जिसको कि हम कोविड-19 भी बोलते हैं, उससे काफ़ी सिमिलर हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये हेंटा वायरस। ठीक है, सो हेंटा वायरस को हम ऑर्थो हेंटा वायरस भी बोलते हैं। ये जो वायरसेस काफ़ी ओल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और जनरली ये वायरस रोडेंट्स या फिर रैट्स जिनको हम बोलते हैं उनके थ्रू स्प्रेड होते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी अगर पर्सन है तो अगर वो इन्फेक्टेड जो रोडेंट्स है या फिर उसके फीसीसीज जो है उनके साथ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तब ही ये स्प्रेड होता है। ठीक है, और अगर वो रोडेंट्स जो इन्फेक्टेड रोडेंट्स या फिर रैट्स जो है अगर वो बाइट करता है तो इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि अगर वो इन्फेक्टेड रैट्स अगर ह्यूमन को बाइट करेगा तो उससे ये फैलेगा। ठीक है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, और इससे कई कई सारे डिजीजेस जैसे कि हेंटा वायरस, पुलमोनरी सिंड्रोम, HPS जिसको हम बोलते हैं, और ये होते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे कि मैं पहले बता ही रहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, और जो इन्फेक्टेड जो रैट होता है उसके थ्रू ही इसका ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन में। ठीक है, जो इन्फेक्टेड रैट जो है उसकी ड्रॉपिंग्स या यूरिन या सेल्विया या फिर जो उसका नेस्टिंग जो होता है वहाँ से ही ये वायरस ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। ठीक है, लेकिन अगर ये जो इन्फेक्टेड रैट है अगर बाइट कर ले तो इसका कंफर्म नहीं है कि वो ट्रांसमिट होएगा। ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आईज, नोज़ और माउथ के थ्रू ही ये वायरस एंटर करता है। ओके, और अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है, हेंटा वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं कोरोना वायरस से, जैसे कि फीवर या फटीग या फिर मसल एक, हेडक या फिर डिजीनेस वगैरह होना, ये इस हेंटा वायरस के सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना वायरस जो है उसके साथ सिमिलर हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो कफ या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज जो होते हैं जैसे ब्रीथ की शॉर्टनेस हो गई या फिर फैटल हो गया, इन सब चीज़ों की सिम्टम्स इस वायरस में दिखते हैं। ठीक है, अगर मतलब कोई भी ह्यूमन इन्फेक्टेड है तो उसको ये सिम्टम्स नज़र आएंगे। ओके, और इसको अगर हम प्रिवेंट करने की अगर हम बात करें कि हेंटा वायरस को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, तो जैसे कि जहाँ से ये फैलता है, मेनली फैलता कहाँ से, रोडेंट्स या फिर रेट्स जो होते हैं उनके नेस्टिंग या फिर ड्रॉपिंग्स वगैरह से फैलता है। तो अगर हम उसको ही प्रिवेंट कर दें, मतलब रोडेंट्स का जो इन्फेस्टेशन होता है घरों में उसको हम प्रिवेंट कर दें तो हम हेंटा वायरस को रोक सकते हैं। और जो इन्फेक्टेड जो रोडेंट्स या फिर रेट्स जो हैं उनके साथ में कॉन्टेक्ट में ना आए, सो ये वायरस इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, सो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि अब हम बात करेंगे इसका सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं कोरोना वायरस के साथ में। ठीक है, जो कि हेंटा वायरस जो है एक कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में काफ़ी रेयर केस में फैलता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस जो है वो हाईली कॉन्टेजियस है और पर्सन टू पर्सन काफ़ी इजीली फैलता है। ओके, और ये कैसे फैलता है, हेंटा वायरस जो है नॉर्मली जो अगर कोई पर्सन है खुद की आईज, नोज या माउथ को टच करता है, अगर वो जो इन्फेक्टेड जो रेडेंट्स है रोडेंट्स सॉरी इन्फेक्टेड रोडेंट्स जो है उसके कॉन्टेक्ट्स में आने के बाद वो अपने आईज, नोज और माउथ को अगर टच करता है तो ये वायरस हेंटा वायरस से वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, और सेम केस होता है कोरोना वायरस के लिए भी, जो आईज, नोज या फिर माउथ के थ्रू ही कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। ओके,
और जो हेंटा वायरस है उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर, फटीग या फिर हेडेक या ब्रीद शॉर्टनेस, ये सब सिमिलर्स हैं कोरोना वायरस से ही। ठीक है, दोनों वायरसेस के जो सिम्टम्स हैं काफ़ी सिमिलर हैं। और अगर इनके प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सो हेंटा वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है कि जो रोडेंट्स या फिर रेट्स जो हैं उनसे कॉन्टैक्ट को अवॉइड करके। ठीक है, और जो कोरोना वायरस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, जो प्रॉपर हैंड हाइजीन यूज़ करके और क्लीन करके और फिर मास्क वगैरह का प्रॉपर तरीके से यूज़ करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है ये इसका। ओके, सो यही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हेंटा वायरस और कोरोना वायरस से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।